एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और क्या हालचाल आप सबके, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज है टीचर्स डे और इसीलिए मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि हम करने वाले हैं सेलिब्रेट टीचर्स डे। हमारा फाइनल ईयर है अभी कॉलेज में, तो आउटफिट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं पहनूंगी ये प्यारा सा सूट है, ये पिंक और येलो कलर का, क्योंकि हमारे टीचर्स डे पार्टी का जो थीम है वो है बॉलीवुड थीम। तो हम कुछ रेट्रो वाला लुक करने वाले हैं, तो बस वैसा ही स्टाइल करना है इसे। चलिए तो मैं अब नहाने के बाद आपसे मिलती हूं। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप भी कर लिया एकदम टिप टॉप। तो मेकअप का मैंने शूट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, मैं शेयर कर दूंगी। मेन पार्ट आता है मेरे हेयर स्टाइल का, क्योंकि 90s की और 80s की जो एक्ट्रेस होती थी उनके हेयर स्टाइल बहुत ही यूनिक होते थे, तो मैं आपको वो हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी। पूरा फुल लुक हम कम्प्लीट करेंगे। तो मेरे बाल जो है गाइज वो 70% ड्राई हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से गीले हैं, तो मैं यहाँ पे ये ब्लो ड्राई कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बालों को स्टाइल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अगारो का वॉल्यूमाइजर। दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट हेयर टूल, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इट कम्स विद 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग एंड इट हैज कैरामिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश हेड। ये आपके बालों को गाइस बहुत ही अच्छे से ड्राई करता है, और आपके बालों में ना काफी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, और जितने भी फ्रिजी हेयर्स होते हैं ना सब सेट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका रिजल्ट आया। इसे यूज करने के बाद आपके हेयर बिल्कुल प्रोफेशनली ब्लो ड्राई दिखते हैं। यहाँ मैंने अपने पूरे हेयर्स पे ब्लो ड्राई कर लिया है, लेकिन अब बात आती है फ्रंट वाले हेयर की, और मैंने इसे भी काफी अच्छे से ब्लो ड्राई कर लिया और ये बहुत ही बढ़िया सेट हुआ है गाइस मेरे फेस पे, आप देख सकते हो। अब मैं हेयर्स को थोड़ा स्टाइल करके आती हूँ, वो 80s 90s वाले जमाने की, बिल्कुल मधुबाला टाइप। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, फुली रेडी हो गई, चूड़ी वगैरह भी पहन लिया, और एकदम लग रही हो ना मैं एकदम 90s की हीरोइन। लगे ना लगे जितना मुझे आता था मैंने कर लिया, और इन सब के चक्कर में मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं टीचर्स डे सेलिब्रेशन में। तो ये रहा हमारा द बिग शो एंट्रेंस। तो यहाँ पे हम गए, हमने डिपार्टमेंट में ही सेलिब्रेट किया था गाइज, तो ये छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ किया नहीं था हमने। और ये हमारा केक था बहुत ही यमी सा, इतना टेस्टी केक है, कुछ बोलोगे? यमी यमी यमी, हम लोग सारा खाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी टीचर्स लोग आना शुरू हो गई थी, तो अब हम करने वाले थे टीचर्स का वेलकम। तो मैम लोग भी परेशान थी, क्योंकि दूसरे साइड भी सेलिब्रेशन हो रहा था। तो यहाँ पे हमारी मैम लोग अब आ रही हैं, और हमने किया उनका वेलकम छोटा सा, और फिर यहाँ पे वो सब बैठी, हमारी चार मैम थी यहाँ पे। फिर आता है हमारा एंटरटेनमेंट टाइम। यहाँ पे मेरी फ्रेंड कर रही थी एक एक्ट को रिप्रेजेंट, वो मैं हूं ना की जो सुष्मिता सेन की एंट्री थी वो वाली कर रही थी ये सीन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम बहुत ज्यादा हुडिंग कर रहे थे, बहुत इंजॉय किया। फिर इन्होंने किया एक मजेदार डांस, जो की देख के हमें बहुत ज्यादा मजा आ गया, हम भी नाच रहे थे। सो ये है गिफ्ट जो कि हमने अपने मैम को दिया था टीचर्स डे पे, तो इसमें बहुत सारा फोटो लगने वाला था हमारा। ये फोटो मैंने निकाली थी मैम, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये सेव सॉइल वाला है, सेव सॉइल वाला है, और इसको लगा देना अपने हाथों से कल। चलिए तो कॉलेज का सेलिब्रेशन तो खत्म हो गया, अब मैं आ गई थी घर, और अभी हो रही है शाम। तो मैं आकर थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों से मिलने के लिए। कुछ बच्चे हैं जो कि मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। जैसा कि कॉलेज में मेरी टीचर है तो मैं भी किसी की टीचर हूँ, तो मैं जा रही थी अभी उन सबसे मिलने के लिए। तो इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहे हैं ये, तो इन्होंने छोटा सा सरप्राइज रखा था, डेकोरेशन किया था, छोटे बच्चे थे खुद से किया था इन्होंने। ये येल्लो वाली लाइटें लगाई थी इन्होंने, जो कि काफी अच्छा लग रहा था देखने में। तो इतने छोटे बच्चे और अभी से इन्होंने इतना सारा क्रिएटिविटी किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट में भी दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो खोल करके देखते हैं। चलो ये व्लॉग में जाएगा, और ये इनके तरफ से गिफ्ट है बहुत प्यारा सा। मैम उल्टा खोलिए। टीचर को पिन मिलता है कि टीचर अच्छे से पढ़ाए। फिर मेरे और भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने ये केक भी मंगवाया था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उन लोगों का ये प्यार देख करके। चलो मैम को भी खिलाओ। टेस्टी है। और यहाँ पे मैं खाई केक, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस था, मेरा फेवरेट था। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से खाया। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो पूरा दिन घूमने और एंजॉय करने के बाद अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ तो बची नहीं थी कि मैं जाके डिनर बनाती। तो डिनर में मैंने ये नूडल्स खा लिया, जो कि अगेन बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो यही रहा मेरा डे टू नाइट का व्लॉग गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।